मध्य प्रदेश के खरगोन में एसडीएम और राजस्व विभाग की टीम ने गांव के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें अवैध रूप से रखे 10 लाख से अधिक के पटाखे जब्त किए। बड़ी मात्रा में बगैर लाइसेंस के रखे गए थे पटाखे। रहवासी इलाके में बना रखा था गोदाम। जिला मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर दूर बिस्टांग थाना क्षेत्र के अनकवाड़ी में रहवासी इलाके में खरगोन एसडीएम अभिषेक गहलोत और राजस्व विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर दामोदर राजमल जैन के गोदाम पर छापा मारा। यहां 10 लाख से अधिक के पटाखे अवैध रूप से रखे पाए गए। रहवासी इलाके में इतने बड़े पैमाने पर पटाखों को स्टोर कर रखे देख अधिकारी दंग रह गए। बड़े पैमाने पर रखे गए पटाखों के केवल कच्चे बिल, वो भी पिछले साल के मिले, पटाखे जब्त कर खरगोन लाए गए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि अनकवाड़ी में जो है दामोदर जैन जो हैं, इनके किसी घर में और गोदाम में कुछ अवैध रूप से पटाखे यहाँ पर रखे गए हैं। उसके संबंध में आज ही दबिश की कार्रवाई पुलिस विभाग के साथ में की गई। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा गोदाम जो है और इनका जो दुकान है, सामने घर है, उसमें भी बड़ी मात्रा में जो है पटाखों का जखीरा प्राप्त हुआ और अनुमानित कीमत मुझे लगता है 10 लाख के आसपास कम से कम होगी। इसमें अब इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, किसी ना किसी सेफ जगह पर इसको रखेंगे। इतनी बारूद रखने की व्यवस्था अपने जिले में है क्या? हाँ, होगी, निसंदेह होगी। किसी ना किसी जो स्थायी लाइसेंस ही है उसके हैं, या फिर कोई मैगजीन जो होती है हमारी विस्फोटक की, उसके यहाँ रखेंगे। इस पटाखे को रखने का लाइसेंस है क्या इनके पास? अभी तो इसका परीक्षण करना है, अभी तो देखा नहीं है हमने, मतलब वर्तमान यहाँ पे तो चूंकि वो जो है मौजूद नहीं है, और चूंकि इस स्थान के लिए तो वैसे भी दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि पूरा आवासीय परिसर है। आपको सर किसका ज्ञात हुआ है, किसका ही? ये दामोदर जैन करके कोई व्यक्ति हैं, उनका नाम का, क्योंकि यहाँ कुछ बिल प्राप्त हुए हैं उसमें उनका नाम है जी। किस अधिनियम में सर कार्रवाई होगी? विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई जी। पुलिस में इसमें कायमी होगी जी थाने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।